है महारानी, शनि ने महारानी को अंदर कैद कर रखा है। शनि, शनि तुम्हारी ये जुर्रत, मैं कहता हूं महारानी को आजाद कर दो। शनि नहीं, छोड़ दो उन्हें। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं शनि नहीं, दरवाजा खोल दो शनि, शनि दरवाजा खोल दो। महारानी की ये बेबसी मेरे लिए सुनहरा दरवाजा खोलेगी। शनि दरवाजा खोलो। शनि महारानी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो वक्त बताएगा जगन्नाथ। दरवाजा खोलो। शनि इस तरह से तुम अपनी आजादी हासिल नहीं कर सकते। शनि वो तुम्हें करके रहूंगा। मैं कहता हूं दरवाजा खोल दो शनि, महारानी को इज्जत से जाने दो। नहीं, यह हर किस नहीं हो सकता। आखिर तुम चाहते क्या हो शनि? मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि महारानी को जलील करूं। उन्होंने मुझे जलील किया है, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया है, मैं उन्हें बेइज्जत करना चाहता हूं। सुनो ये चीख, सुनो। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। अगर तुम्हें महारानी की आजादी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा, और महारानी तब तक मेरे कब्जे में रहेगी जब तक ये सौदा पूरा नहीं होता। सौदे की शर्तें बताओ। कागज कलम दो, जाओ पन्ना जी, शनि को फौरन लिखने की सामग्री मंगा कर दो। जो हुक्म। हम आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये मेरा दुर्भाग्य विजय बहादुर कि मेरे कारण जुनागढ़ पर ही मलिन छाया पड़ी। क्या बात है, क्या हुआ? ये भीड़ यहां किस खुशी में जमा है? ये बहादुर क्यों, क्या हो रहा है यहां? शनि बंदी गृह से फरार हो गया है। क्या, शनि फरार हो गया तो है कहां? इस कक्ष में। वहां क्या कर रहा है वो? उसने महारानी को कैद करके रखा हुआ है। एक उसने ऐसा किया, उसे ऐसा कत्ता ही नहीं करना चाहिए था। और वो खूनी महारानी की जान लेने की धमकी दे रहा है, और मुश्किल ये है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लगता है पंडित जगन्नाथ रास्ता ढूंढने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं। पता नहीं पंडित जगन्नाथ कामयाब हो पाएंगे या नहीं। वो कामयाब हो पाए या नहीं, लेकिन मैं कामयाबी के लिए कोई रास्ता ढूंढता हूँ। अजगर, हालात ने जिस तरह से करवट बदली है उससे हमारे हालात नाजुक से नाजुकतर होते चले जा रहे हैं, और वो सुल्ताना, वो तो लगता है हमारा बेड़ा गर्क करके ही रहेगी। और वो शातिर पंडित जगन्नाथ शनि से सब कुछ कबूल करवा के रहेगा। तारा नहीं, नहीं तारा नहीं। नहीं क्या? नहीं, सारा नक्शा पलट चुका है। नक्शा पलट चुका है? क्या मतलब क्रूर सिंह? मतलब ये कि क्रूर सिंह ने जैसा सोचा था शनि ने वैसा ही कदम उठाया है। कदम? कैसा कदम, कौन सा कदम क्रूर सिंह? वो ये कि शनि ने खुद अपने विनाश को दावत दी है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है क्रूर सिंह। लेकिन शनि ने किया क्या है, विस्तार से बताओ क्रूर सिंह, पहेलियां मत बुझाओ। बंधक, बंधक, शनि ने महारानी को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें बंधक बना लिया है। यक बंधक, शनि ने महारानी को बंधक बना लिया है, यह तुम क्या कह रहे हो गुरु सिंह? हाँ हाँ, इतना ही नहीं, शनि कैदखाना तोड़कर बाहर आ चुका है। शनि कैदखाना तोड़कर बाहर आ गया? ये तो गजब हो गया क्रूर सिंह। और महारानी कलावती,
इस वक्त शनि के कब्जे में है। यक वो उसकी गर्दन पर खंजर रखकर अपनी शर्तें तय कर रहा है। लेकिन शनि हासिल क्या करना चाहता है क्रूर सिंह? उसने बहुत खास शर्तें रखी होंगी। शर्तें उसकी शर्तें हैं धन दौलत और अपनी आजादी। यक अगर शनि कामयाब ना हो पाया तो महारानी कलावती का कत्ल कर देगा। यक क्योंकि उसकी जिंदगी दाव पे लगी हुई है। महाराज इस बारे में जानते हैं क्रूर सिंह? उन्हें कहां से खबर होगी? अरे महाराज तो लश्कर लेकर खुद शिकार के लिए गए हुए हैं। लेकिन शनि का मसला सुलझाने के लिए महाराज के वफादार गुर्गे मौके पे मुस्तैद हैं। वाह, तब तो इस बढ़िया और संगीन मौके पर मुस्तैदी से हमें भी अपना काम कर लेना चाहिए। और हमारी मुस्तैदी इसी में है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन तारा, कहीं ऐसा ना हो कि सांप भी निकल जाए और लाठी भी टूट जाए। तो ऐसे एहतियात और हालात को कामयाब बनाने के लिए हमें सुल्ताना को काबू में रखना पड़ेगा। यक सुल्ताना। क्यों सुल्ताना, इतनी तैयारी के साथ कहाँ जा रही? शनि की मदद करने। शनि को सुल्ताना की जरूरत है और जब तक सुल्ताना जिंदा है तब तक चुनारगढ़ की पूरी फौज उसका बाल बांका नहीं कर सकती। शनि को कोई ताकत मार नहीं सकती। तो हम कहाँ चाहते हैं कि शनि मारा जाए? कुर सिंह, तुम गिरगिट की तरह रंग बदलने में होशियार हो, मुझे अब तुम पर कतई भरोसा नहीं, क्योंकि तुम तीनों धोखेबाज हो और अवसरवादी भी। हाँ, तुम तीनों दगाबाज हो। तुमने शनि को इस्तेमाल किया और इसके साथ दगा भी। सुल्ताना, हमने शनि से जो भी काम करवाया उसका पूरा पूरा मेहनताना दिया है। मेहनताना? लानत है तुम्हारे मेहनताने पर। जिन की दुनिया भी कुछ असूल होते हैं और तुम तीनों बेअसूल हो और गद्दार भी। सुल्ताना, चीखो मत, मेरे पास वक्त नहीं है, हट जा मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। और अगर तुमने जाने की कोशिश की भी तो भी तुम हमारे चंगुल से निकल नहीं पाओगी। सुल्ताना, अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से जाने से रोका तो यहीं पर खून खराब हो जाएगा। अच्छा, तो तुम अपने इश्क की घटाटोप में ये भी नहीं देख पा रही कि शनि की मौत से हमें ही नहीं तुम्हें भी जिंदगी हासिल हो सकती है। सुल्ताना, बकवास बंद करो। शनि के बगैर सुल्ताना को जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। लो असगर, अब इस बेहोश सुल्ताना को संभालो और शनि को जिंदगी और मौत से अकेले लड़ने दो। यक पीछे लेट जाओ चुपचाप बिस्तर पर, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुमने मेरे रास्ते में अड़चन बनने की कोशिश की तो बच नहीं पाओगी। महारानी के साथ बस सुलूकी करने की जुर्रत मत करना। जगन्नाथ, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। शनि, अगर तुमने महारानी का कोई भी अहित किया तो तुम दंड के भोगी होगे।
तेरे कुकर्मों का भोगी मैं नहीं, तुम होगे जगन्नाथ। तू अन्ना जी, महाराज को अब तक शिकार से वापस आ जाना चाहिए। हाँ, तुम ऐसे करो, महाराज के लिए मैं मुस्तैद रहो। जो हुक्म। जाओ। शनि, जो रास्ता तुमने अख्तियार किया है वो खतरे से खाली नहीं है। नसीहत देना तुम्हारी आदत है जगन्नाथ, और खतरों से खेलना मेरी आदत है। लो, ये है मेरी शर्तें, इन पर फौरन अमल करो। शनि महारानी के महाराज के खून से लिखी भारत। कितना फर्क है दोनों भाइयों में, कहां ये खूनी और कातिल शनि और कहां पंडित जी आप जैसे देवता। तो ये है तुम्हारी शर्तें। हाँ, बेकार है तुम पर, बेकार नहीं, फक्र करो मेरी, कितना गिर गए हो तुम शनि। अब तुम गिरोगे जगन्नाथ। जब तक महाराज आ गए, सावधान, चुनारगढ़ के सरताज महाबली महाशक्तिशाली महाराज शिवदत्त जी पधार रहे हैं। बहादुर, महाराज को जाकर मेरा प्रणाम दो। महारानी के कारण मेरा यह रुकना जरूरी है। महाराज से कहना कि मैं तत्काल उनके हुजूर में हाजिर होने की दरख्वास्त की है। जी पंडित जी। और सुनो, पन्ना से कहना कि महाराज की अगवानी करके फौरन यहां आए। अच्छा पंडित जी। कहीं इसने महारानी के साथ कोई अपराध तो नहीं किया? नहीं नहीं, महाराज की जय हो। पंडित जगन्नाथ कहाँ है? महाराज वो, महाराज पंडित जगन्नाथ ने आपको अपना प्रणाम अर्पित किया है और आपसे फौरन मिलने की इजाजत मांगी है। विजय बहादुर, शिव तक पंडित जगन्नाथ की ना मौजूदगी की वजह जानना चाहता हूँ। महाराज उसकी वजह यह है कि महारानी की जान को खतरा है, शनि ने महारानी को बंधक बना लिया है। यह मुमकिन कैसे हुआ? महाराज वो ऐसे हुआ कि शनि बंदी गृह से फरार हो गया है। शनि फरार, महारानी बंधक, तो चुनारगढ़ की इतनी बड़ी फौज और तुम सब क्या कर रहे थे? जवाब दो। हट जा मेरे रास्ते से। महाराज, महारानी सख्त कहाँ? दक्षिण द्वार वाले लघु कक्ष में शनि के कब्जे में है। शनि की शर्तें? जी महाराज, ये रही। बताइए क्या है शर्तें? 50,000 शर्फियां, 25,000 मोहरे, 2.5 मन जवाहरात और चुनारगढ़ से सुरक्षित निकास। शिव तत्व को सब कुछ मंजूर है। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली है। दरवाजा खोलो शनि, शनि महारानी को रिहा कर दो। सिर्फ तब शनि के जवाब का इंतजार नहीं करेगा। विजय बहादुर। जी महाराज। सिर्फ तब का हुक्म है, इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए।
महाराज, लगता है शनि महारानी को लेकर फरार हो चुका है। शनि, तुमने अपना हाथ शेर के मुंह में डाल दिया है। अब शिव तक तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। महाराज, शनि को जिंदा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन महारानी की जान खतरे में है, इसलिए हम इसलिए क्या? यह कारागार तोड़ा जा सकता है, लेकिन शिव तक के इरादे को नहीं। महारानी को बंधक बनाया जा सकता है, लेकिन शिव तक की हिम्मत को नहीं। शनि ने चुनारगढ़ की ताकत को नहीं, बल्कि महारानी को बंधक बनाकर शिव तक के प्यार और साहस को ललकारा है। शनि दुनिया के किसी भी पर्दे के पीछे फरार हो जाए, लेकिन शिव तक जाएगा और महारानी को सुरक्षित वापस लेकर आएगा। विजय बहादुर, हुकुम महाराज। शिव तत्व के रथ को तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, अवीनी के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपका अकेले जाना उचित नहीं है। महाराज, शनि दिमागी तौर पर कुंठित है, मानसिक रोगी है। अगर हमने शनि ताकत का ज्यादा इस्तेमाल किया महाराज, तो हो सकता है अपने दिमागी खलल के कारण महारानी को शनि मार डाले। महाराज, मेरा सविनय निवेदन है कि आप शनि ताकत के अलावा दिमागी और अय्यारी ताकत का इस्तेमाल भी करें। और महाराज, हमें यह भी तो दरियाफ्त करना है कि शनि महारानी को लेकर गया कहां है। लगता है ये उस दरिंदे का कोई संदेश है। पढ़ो इसे। महारानी मेरी बंधक है, मेरी हर शर्त पूरी होने तक मैं परण कुटीर में इंतजार करूंगा, नहीं तो कल सूर्य उदय होने से पहले महारानी का सूर्यास्त हो जाएगा। शनि, शनि, सूर्य कहाँ है? नमस्तस्य 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 नमो नमः। 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 या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः। नमस्तस्य 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 नमो नमः।